हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मॉम ब्यूटी शालू। और गाइस, ये आप देख सकते हैं मैंने जो व्लॉग बनाया है और शॉपिंग हॉल जो बनाया है वो बनाया है कि मैंने दिवाली पे क्या परचेजिंग की है। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर ली जाए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो आइए हम देखते हैं वीडियो। प्रेस्टीज का है? प्रेस्टीज का मिलेगा हमारे पास। प्रेस्टीज में ग्लास वगैरह ब्रेक हो रहा ना, वो ग्लास की गारंटी नहीं देते। अच्छा, जैसे ये इन्हें में सामने 3 बंदर पड़ा तो इन्हें 2 साल तक आपका ग्लास भी कहीं से टूटता है, ग्लास भी चेंज होगा। लेकिन भैया प्रेस्टीज की थोड़ी कंपनी है ना? है तो सारी कंपनी, ये जो दिखा रहे ये भी कंपनी का, ये सही चूल्हे हैं। कैसा, 2 में लेना 3 वाला? 3 में लेना। सबसे हेवी लेना दिखेगा सामने ब्लैक वाला। हाँ, ब्लैक वाला प्रीमियम का है ये। और वो व्हाइट वाला? व्हाइट वाला कोरल का है, वो भी आई सही है, 2 साल गारंटी का मिला। कितने का है वो? व्हाइट वाला 5500 रुपये का है, ये 4800 रुपये का ब्लैक। अच्छा, इसमें 4 बर्नर चाहिए, 4 बर्नर दिए। अच्छा, ये 4 बर्नर तो गाइज़ आप देख सकते हो, ये मैं दूसरी शॉप पे आई हूँ क्योंकि पहली शॉप पे मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, चूल्हा पसंद नहीं आया। तो जिस ब्रांड का मैं चूल्हा दे रही थी उसी ब्रांड का मुझे चाहिए था, क्योंकि वो मैंने यूज़ किया है कम से कम भी 12-13 साल। तो मैंने अब सोचा कि ये जो ब्लैक वाले चल रहे हैं तो ये लूँगी मैं। और मैं ले रही हूँ 3 बर्नर का, तो वो वाला जो था मुझे पसंद नहीं आया था, तो ये वाला देखते हैं कैसा है। इसकी ग्लास की गारंटी है? हाँ, ग्लास की भी गारंटी है। और इसके नीचे आपका प्रेस्टीज का भी है? प्रेस्टीज का भी है। हाँ। अच्छा, नीचे ही रखो। इसकी ग्लास की गारंटी नहीं है? ग्लास की नहीं है। वो मेरा 15 साल चल गया, ये तो इसका पता नहीं। भैया अगर ये ग्लास, मतलब आप बताओ, अगर ये ग्लास खराब हो जाता है, टूट जाता है, तो ये चेंज हो जाता है? बस हटा दो, अच्छा, जल्दी नहीं टूटता है। ग्लास टूटा उसका है, अच्छा, जो हम कट से यूज करते हैं। हाँ, 2 साल कंपनी का फ्री सर्विस है, 1 साल आपका ग्लास का गारंटी है। अच्छा, ग्लास उसका टूटता है जो इसको हम कट करते हैं। अच्छा, जैसे आप फेंकता है इस जगह। अच्छा, सीधा आप फेंकता है नीचे, ऑटो कट वाले का। अच्छा, ऑटो कट वाला सक्सेस नहीं है? सक्सेस नहीं है। अच्छा, अच्छा, दफन ग्लास में सक्सेस नहीं है, स्टील वाले में ओके है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो वैसे ये ब्रेक तो नहीं होता ना इतनी जल्दी? नहीं। ठीक, ये जो है ना आपका 3 बर्नर का स्टोव है आपका। अच्छा, 3 बर्नर में स्टोव है आपका। अच्छा, फन ग्लास का 1 ईयर वारंटी रहेगा, 2 साल कंपनी का फ्री सर्विस रहेगा। अच्छा, और नीचे से थोड़ा दिखाएंगे, देख लो आप इसकी पाइपलाइन जो है सबकी अलग अलग है ना? ये तीनों का अलग अलग पाइप। और ये जो लाइन है ये वाली, ये मेन लाइन है, गैस आने वाली लाइन आ गया आपका मेन, इसी से आपका तीनों में डिवाइड हो रहा है फिर ये। अच्छा, ठीक है। एक बर्नल आपका जैम्बो है जो कि बड़े वाले बर्नल है। अच्छा, ये 2 ही है। अच्छा, ये सबसे बड़ा है, फिर ये से छोटा है, तो ये से छोटा है। नहीं, सूर्य का तो ब्रांड अच्छा है क्योंकि मैं पहले भी वही यूज़ कर रही हूँ जो लेकर आई हूँ। आप लेके आए हो? एक बार दिखाना, हो सके हमसे ही ले आऊँ। हाँ, अल्ट्रा पहले मैं आज से नहीं 94 से बेच रहा हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने यही लिया है, और ये सूर्या का ही ब्रांड है वो कह रहे हैं, तो मैंने ले लिया है। अब देखते हैं ये कितने साल चलता है। तो सूर्या एक बेस्ट कंपनी है, प्रेस्टीज का मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, उसकी वारंटी वगैरह ऐसा कुछ सही नहीं थी, तो मैंने ये वाला ले लिया है। तो अब मैं और शॉपिंग करने के लिए आगे जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ सेंट्रल मार्केट। तो बहुत ही अच्छी दुकानें हैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, और बहुत ही अच्छी मार्केट इससे हम सजी हुई है। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको कि यहाँ पर क्या क्या सामान मिलता है। तो हमने सोचा शॉपिंग करने से पहले कुछ खा लिया जाए, तो मुगल को खाने थे मोमोज, तो हमने मोमोज और चिली पोटैटोज खाए थे। गाइस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट बाहर का खाना इस टाइम सेफ नहीं है, बट थोड़ा बहुत कभी कभी मैं खा लेती हूँ।
तो अगर आप कुछ खाते हो तो पूरी सेफ्टी से खाएं, आप सैनिटाइज़र वगैरह हमेशा ही अपने साथ रखें, क्योंकि पता नहीं किसी का सैनिटाइज़र अच्छा होता है या नहीं, पानी वगैरह होता है या नहीं वहाँ पर हाथ धोने के लिए। तो आप पूरी सेफ्टी से खाएं अगर बाहर कुछ खाते हैं तो। चप्पल भैया ये कैसे है? 25 5 रुपए कितने के दिया भाई? 50 के दो। अरे ये वाली 50 की 2 है, ये 50 की है। सब मीटर का हिसाब है, कितने मीटर की चाहिए? ये चाहिए ये वाले 40 मीटर की है। ये 40 मीटर की है, 350 रुपये। और ये वाली बड़े ये गोल बल्ब जो होते हैं वो वाली ये नहीं है? सब गोल बल्ब की है। नहीं नहीं ये वाले नहीं, मोटे बल्ब होते हैं ये वाली जो अपने पास। कौन सी वाली? ये वाली 70 रुपये की, ये 50 रुपये की, ये 50 की 2। ये कितने के है? ठीक है, एक आइटम है आइटम है जो आप देख रहे हैं। दिया भी वही दिखाना, फूटेगा नहीं, कितनी मिट्टी है क्या आपको पीओपी मिल जाएगा? आगे खाली सेम डिजाइन कितने का दे रहे हैं? ये 80 रुपये का है, ये 120 का सेट है बाउल के साथ। तो मेरी शॉपिंग हो गई है दिवाली की, और मैंने क्या क्या परचेज़ किया है तो वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो गाइस ये वीडियो कंटिन्यू है, आप ज़रूर देखना कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है दिवाली पे। हाय गाइस, तो आज का व्लॉग जो है वो आपने देख लिया होगा, वो है मेरी दिवाली की शॉपिंग। और गाइस दिवाली की शॉपिंग मैंने कर ली थी धनतेरस को, तो ये मैं बना रही हूँ छोटी दिवाली का व्लॉग। और मैं आपसे आपसे शेयर इसलिए कर रही हूँ गाइस क्योंकि ये आपके ही सपोर्ट से मैं अपने जो कहते हैं ना एक अपने मेरे हस्बैंड मुझे किसी बात की कमी नहीं रखते हैं, लेकिन मेरे जो अपने जो मैंने अपने कैसे बोलूँ यार, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, वर्क किया है चैनल पे, तो मेरी यूट्यूब सैलरी आई है तो उससे मैंने ये सारी की सारी परचेजिंग की है। और जो भी मेरा दिल चाहा वो मैंने खरीद लिया है। तो मैंने क्या खरीदा है तो वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो, क्योंकि ये आप ही के कारण है और ये आप ही का वीडियो है और ये आप ही की शॉपिंग है, तो इसीलिए तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और मैं कभी कभी थोड़ी सी खटाई वगैरह खा लेती हूँ, थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है, तो इसलिए मेरी स्वेलिंग भी आ गई है पता नहीं, इसीलिए तो मैं नहा के बैठी हूँ अभी। ये मत कहना कि आपने मेकअप वगैरह कुछ किया नहीं, मैंने कुछ भी है, मैं एक सिर्फ मैंने मॉइस्चराइजर लगाया, मैं विदाउट मेकअप हूँ बिल्कुल। तो गाइस मैं विदाउट मेकअप ऐसी लगती हूँ, मेकअप के बाद आप देखते हो कैसी लगती हूँ। तो चलिए अब बातें ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैंने लिया है ये इस तरीके के, आजकल बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड पीस चल रहे हैं तो ये मैंने लिया है, देख सकते हो। और ये मैंने लिया है 4 पीसेस लिए हैं, ये मैंने लिया है सरोजनी नगर से। बहुत सारे बैल की आवाज़ आ रही है, उसमें सब में बैल लग रही है। तो ये मैंने लिया है सरोजनी नगर से, और सरोजनी नगर में ये गाइस 1 पेयर वो दे रहा था 150 रुपीज़ का, बट मैंने एक ले लिया 50 रुपीज़ का, क्योंकि वो ऐसे ही बोलते हैं तो शुरू में।
तो फिर हमें उनसे थोड़ी सी बार्गनिंग करनी होती है, तो फिर उसके बाद वो थोड़ा सा कम कर देते हैं। और एक मैंने लिया है ये इस तरीके का रंगोली दिया, क्योंकि गाइस मुझे रंगोली बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ये इस तरीके का रंगोली दिया लिया। तो रंगोली दिया भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, और ये 30 रुपीज का है, आप देख सकते हो कितना अच्छा है। तो ये जो खील वगैरह लाते हैं, और मैंने लिए हैं फ्लोटिंग दिए जो होते हैं ना, इस टाइप से जो फ्लोट दिए कहते हैं। तो मेरे को थोड़ी सी डेकोरेशन करनी थी, तो वो मैं आपसे तभी शेयर करूंगी। गाइस एक ये है लेवेंडर और एक ये है रोज, तो ये कुछ इस तरीके की है। तो ये भी मैंने मार्केट से लिए हैं, ये मुझे मिले हैं 10 पीस मिले हैं, 30 रुपीज का एक पैकेट पड़ा है मुझे, तो ये 10 पीस है। और इसके अंदर फ्रेगनेंस वगैरह कुछ नहीं है, खाली नाम के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो और बाकी ये थोड़ा सा पूजा का सामान है, और एक ये कृष्ण जी की माला है, जो मेरे कृष्ण जी की तस्वीर लग रही है उनके लिए। थोड़ा सा शेडो आ जाए तो थोड़ा सा देख सकते हो। ये एक और रंगोली दिया लिया मैंने इस तरीके का, तो ये एक और रंगोली दिया है आप देख सकते हो, और ये मुझे मिला है 50 रुपीज का। इस 50 रुपीज में बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो। और इस तरीके के मैंने चरण पादुका ली है ये माता की, और गाइस एक लिया था ये शुभ लाभ का भी, तो ये यहाँ से मेरी सारी टूट गई है। ये शायद मैंने आज तो जल्दी जल्दी परचेसिंग की थी, तो मुझे पता नहीं चला कि ये टूटा हुआ है। अभी जाऊँगी देखूँगी, थोड़ा सा वापस कर लेंगे यार क्या है। एक मैंने और ये ऐसे छोटे छोटे दिए लिए थे, तो अच्छे लग रहे हैं ये दिए, आप देख सकते हो। तो ऐसे साइडों में लगाने के लिए लिए हैं ये दिए, और ये मुझे मिले हैं 50 रुपीज़ दर्जन, यानी कि 50 रुपये दर्जन। मेरी सारी शॉपिंग जो है वो 50 रुपीज़ की है, पर मैंने और भी सामान लिया है, तो वो मैं आपको और दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो एक मैंने लिया है ये मैट जो कि है कालीन, और बहुत ही प्यारा है गाइस। अगर मैं ये ऑनलाइन लेती तो शायद मेरे को 2000 रुपीज़ का या उससे भी ज़्यादा का यह मिल सकता था, तो आप देख सकते हो। तो ये मैंने लोकल शॉप से लिया है, यहीं सेंट्रल मार्केट से। तो गाइज ये मुझे मिला है 800 रुपीज़ का, उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, पूरा वेलवेटी है ये एकदम, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छी है, पूरी वेलवेटी क्वालिटी है इसकी। तो ये मुझे 800 में मिला है, और ये मेरा मस्ट बाय है इधर का, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है। सी तो आप देख सकते हो पूरी तरह से, मैं आपको दिखा रही हूँ ये कैसा है। तो गाइज आप देख सकते हैं ये जो मैंने पेड़ गमला जो भी लगवाया है, तो ये भी मेरी इसी शॉपिंग में शामिल है, क्योंकि पहले वाला जो था वो मेरा ख़राब हो गया था सारा, और ये सारे फ्लावर्स वगैरह मैं ख़रीद के लाई थी। आप देख सकते हो इस तरीके की डेकोरेशन की है, डेकोरेशन मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी, बट ये मैं अपनी शॉपिंग दिखा रही हूँ गाइज, ये भी शॉपिंग में शामिल है। आप देख सकते हो ये मैंने फ्लावर्स लिए हैं, तो आप देख सकते हैं ये मैंने एक इंडोर प्लांट लिया है, वैसे दो लिए हैं मैंने, और ये कुछ लाइटिंग वगैरह की डेकोरेशन की है। तो आप देख सकते हो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है लाइटिंग की डेकोरेशन करना। और ये मैंने लिया है एक कप, आप देख सकते हैं बिग है, बिग कप है, मतलब इसमें हाँ ये एक फ्लावर पॉट ऐसा कुछ कहेंगे ये वो है। तो आप देख सकते हो इसमें मैं चाहे तो फ्लावर लगा सकते हैं, बट मैंने सोचा इसमें अपना एक स्नेक प्लांट मैंने लगाने के लिए सोचा है, और अगर अभी वो गमले वाला आ जाता है, और जैसे कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले कि मैंने गमले लिए हैं, तो वो गमले वाला आ ही चुका था, और ये एक वास है जो कि मैंने दो लिए थे, तो मैं आपको अपना जो स्नेक प्लांट है वो भी दिखाती हूँ कैसा है। तो आप देख सकते हैं ये है मेरा स्नेक प्लांट, जो कि मैंने उसी दिन लगा लिया था, क्योंकि पौधे वाला उसी दिन आ गया था। और ये मैंने कुछ लाइटिंग जो है परचेज़ की है, जैसे कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ वाइट लाइटिंग, और ये मल्टी कलर की लाइट है, आप देख सकते हो बैठ के चारों ओर लगाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। और एक मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी, तो ये है फेरी लाइट, और ये है पिंक कलर की, तो ये लगेगी जब मैं आपको बताऊँगी कैसी है।
और ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी रियल स्टिक है, आप देख सकते हैं रोज की, तो ये बहुत ही प्यारी लग रही थी तो मैंने फटाफट से एक सेकंड भी नहीं लगाते हुए इसे परचेज कर ली है। और ये मुझे मिली है 50 रुपीज़ ईच, तो गाइस 50 रुपीज़ ईच में बहुत ही अच्छी लगी मुझे। और एक मैंने लिया है ये कैंडल रखने वाला, जिसमें आप फ्रेगनेंस भी डालकर कर सकते हैं यूज़, तो मिलता है ऐसा भी फ्रेगनेंस का, तो आप देख सकते हो। और एक ये मैंने लिया था पॉट, आप देख सकते हो इसमें देसी घी वगैरह डालने के लिए मैंने लिया था, आप इसमें देसी घी डाल सकते हो, अचार डाल सकते हो, नमक डाल सकते हो। तो ये मैंने लिया था उसी शॉप से जिससे मैंने ये कैंडल रखने का लिया था। तो गाइस आप देख सकते हो ये गिफ्ट भी मैंने कुछ लिए हैं सबको गिफ्ट करने के लिए, तो ये काफी सारे हैं, तो ये कुछ मेरे हस्बैंड को भी गिफ्ट करने हैं और कुछ मुझे भी गिफ्ट करने हैं। एक मैंने लिया था ये आप देख सकते हो फ्राई पैन, जो कि है नॉनस्टिक और चाय बनाने का। और एक लिया था मैंने ये तवा, तो गाइस ये भी नॉनस्टिक है आप देख सकते हो, तो बहुत ही अच्छा था। और ये मुझे मिला है 400 का और ये मिला है मुझे 350 रुपीज़ का। तो ये सब मेरी जो शॉपिंग मैंने लाई थी, ये मैं लाई थी विशाल से, ये सारी शॉपिंग विशाल की है आप देख सकते हो, ये जितने भी डब्बे हैं और ये देख रहे हो आप। तो गाइज ये है मेरी सबसे लास्ट शॉपिंग, आप देख सकते हो मैंने एक नया चूल्हा जो लिया है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ये मेरे को 3 बंडल का पसंद आया था तो ये वाला मैंने लिया है। और आप देख सकते हैं मैं पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि जैसे पहले, क्योंकि गाइस ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मामला होता है गैस वगैरह का, घर में यूज़ करते हैं, तो मैंने पहले, मैं जब भी सुबह उठती हूँ तो हमेशा पहले हाथ जोड़ती हूँ और तभी चूल्हे को जलाती हूँ। और अभी मैंने ये चूल्हा लिया है तो सबसे पहले मैंने हाथ जोड़ा है कि अग्नि देवता, जैसे आपने हमारा हमेशा ध्यान रखा तो हमेशा ऐसे ही ध्यान रखना। और गाइज़ आप देख सकते हो ये मेरी फाइनल परचेजिंग है दिवाली की शॉपिंग की, और गाइज़ यही मैंने ख़रीदा है सामान, जो कि आप मेरे फैमिली मेंबर हो तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लिया जाए। तो आपको शॉपिंग कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरे को पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बताऊँ। तो आप देख सकते हो जो भी मैंने ख़रीदा है वो सब आपसे शेयर कर दिया है, और आगे भी जो भी परचेज करूँगी तो वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और गाइज दिवाली की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली।